दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस घंटी वाले आइकन को भी जो है क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गूगल एलो ऐप के बारे में। अगर बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि इसके बारे में जानते होंगे या तो फिर सुन लिया होगा। तो जो लोग अगर इसके बारे में नहीं जानते कि आखिर क्या काम करती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये गूगल आलो जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, आपको सिंपली जो है व्हाट्सएप की तरह सारे नंबर आ जाते हैं और नाम आ जाते हैं आपके फ़ोन में जो सेव हैं। अब उनको भी जो है गूगल आलो यूज़ करने के लिए बोलिए और आप यहाँ पर बहुत ही फास्टली जो है कोई मैसेज भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे एक नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पर कैमरा से डायरेक्ट फ़ोटो या तो फिर इमेजेस और भी गिफ्ट वगैरह, लोकेशन, जो भी चीज़ें भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हैं। और अगर वो गूगल डुओ का भी यूज़ करता है तो आप यहाँ से HD हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान है और आप यहाँ पर बोल के भी भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत जल्दी यहाँ से डिटेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी खासियत चीज़ दोस्तों कि आपको यहाँ पर दुनिया भर की हर चीज़ मिल जाती है। आप कोई सा भी सवाल पूछिए, यहाँ पर जो है गूगल असिस्टेंट आपसे बात करेगा और साथ ही साथ आपकी मनोरंजन भी करेगा। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट चैट पर क्लिक कर दिया, गूगल असिस्टेंट पर क्लिक किया। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कुछ यहीं से ही पूछ लीजिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपली इस माइक वाले आइकन पर टैप कीजिए और अपनी सवाल पूछिए या तो फिर जो चीज़ चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर पूछता हूँ, हेलो तो देखिए उधर से नमस्ते लिख कर आ गया, आप कौन हैं? मैं आपकी गूगल असिस्टेंट हूँ और मैं आपको विनिमय दर बता सकती हूँ। देखिए, और क्या कर सकती हैं? देखिए, इनमें से किसी एक को चुनें। आप देखिए, गेम खेल सकते हैं, घूमना, जवाब, कार्य, मौसम, सर्च, कुछ भी चीज़ें, यानी कि। तो चलिए, मैं यहाँ पर खेल एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इनमें से किसी एक को छुएं। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या गेम खेलना है वो आ जाएगा। तो चलिए, मैं एक क्रिकेट प्रश्नोत्तरी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे खेलने लिखा है, तो चलिए हम खेलें पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं सामान्य लेवल में रख देता हूँ। 1987 का विश्व कप फाइनल किस शहर में हुआ था, ये तो हमें पता नहीं। चलिए कुछ भी टिक कर देते हैं, कोलकाता। ओ, ये राइट हो गया, 87 पॉइंट मिल गए। फरवरी 2016 में टेस्ट क्रिकेट में दो बार आउट होने के बीच सबसे ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर किसने बनाया था? अरे जो रूट मार दो, ये तो गलत है। चलिए, यहाँ पर एडम वोक्स था 1877 में। चलिए, इस तरीके से आपको जो है बहुत सारे गेम मिल जाते हैं और आप डायरेक्टली यहाँ पर मज़े से खेल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ आप पूछ सकते हैं, जैसे सवाल जवाब के गेम हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसको पूछ लेते हैं, है ना। जैसा कि मैं पूछता हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? चलिए, क्या जवाब आता है? सहायता के लिए मौजूद, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, बिल्कुल सही। और भारत का? रामनाथ कोविंद। ओके, भारत में तापमान क्या है? भारत में तापमान क्या है? देखिए, आपको यहाँ पर सारे जगह के तापमान दिखा दिया। अब चलिए, कोई मूवी देखना है या तो फिर चुटकुला सुनना है, बोलते कोई चुटकुला सुना दो। चलिए, सुन नहीं पाए, कोई चुटकुला सुना दो।
अभी ये हमें चुटकुला लगा के देखा, देखिएगा, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है बरसों। वाह, अब देखिए और बोलते हैं कोई रोचक तथ्य, चलिए कर देते हैं। जिराफ खड़े रहकर बच्चे को जन्म देती है ना, उसके बाद कुछ मजेदार। क्या आपको मालूम है एक कोड़े की फटकार एक लघु सोनिक बूम है। चलिए ये भी जान गए। तो भाई यहाँ पर दुनिया भर की चीजें आप कुछ भी पूछ लो, इससे पता है। अब चलिए यहाँ पर कोई मूवी का पूछ लेते हैं। आमिर खान की फिल्म देखिए, आपको आमिर खान की सारी फिल्में मिल गई, और वो भी सब नई नई पिक्चरें और पुरानी भी पिक्चरें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको जिसे देखना है उस पर क्लिक कीजिए। और अक्षय कुमार की ये देखिए, अक्षय कुमार की पिक्चरें आ गई। अब इसी से कुछ पूछ लेते हैं। आपकी उम्र क्या है। मैं अब भी छोटी हूँ लेकिन बच्चों जैसी छोटी नहीं, मैं उच्च स्तर का गणित कर सकती हूँ। वाह, क्या आप कभी थकती हैं। चलिए पूछ लेते हैं। कभी कभी मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। वाह, मैं क्या सोच रहा हूँ। आप उड़ने वाले घोड़े के बारे में सोच रहे थे और नहीं भी सोच रहे थे, तो अब सोच रहे हैं। लाइक तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है अपना बहुत ही आसानी से एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं।